नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है प्रशांत पवार, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। हालांकि क्वेश्चन 5 दिन पहले पूछा था, मैं उनको 5 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरे पास डेली बेसिस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने टोटल 3500 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। जी हाँ, 3500 वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो अगर इतने सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं 15 घंटे की क्लासेस के बाद हर दिन हर कमेंट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो प्रशांत पवार जी ने यहाँ पे एक दिया है क्वेश्चंस। डियर सर, मल्टीपल शीट का डेटा एक शीट में कैसे लेते हैं? तो बेसिकली इसके लिए, चलिए हमारे पास एक डेटा सैंपल बनाया है। देखिए, इसके लिए दो पार्ट है, एक तो है सेमी ऑटोमेटेड, एक है हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड मतलब कि विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग, हम बिना वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के भी इस चीज को कर सकते हैं। कैसे करें तो हम पहले बताते हैं आपको कैसे करेंगे बिना वीवीए प्रोग्रामिंग का। लेकिन ये 50% ही ऑटोमेट होगा, 50% आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो क्लिप होम मेनू बार के क्लिप बोर्ड का जो ये ऑप्शन है, इसको यहां से इनेबल करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद आप वन बाय वन अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। जी हाँ, वन बाय वन डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कॉपी। आपको जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट नहीं करना है। कॉपी करते जाइएगा और यहां पे आपके स्टोर होता जाएगा। तो 24 सीट यहाँ दिख रहा है आपको, 24 सीट का डेटा यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद हम जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से पेस्ट ऑल कर देंगे। पेस्ट ऑल, पेस्ट हो गया। और पेस्ट होने के बाद आप इसको क्लियर कर दीजिए, आपका डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इसमें 50% हुआ, आपको सिर्फ कॉपी करना पड़ा, पेस्ट अपने आप हो गया एक के नीचे एक के नीचे। लेकिन आप चाहते हैं फुल्ली ऑटोमेट करना, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा वीवीए। तो आप जिस डेटा को कॉपी करना चाहते हो, कोई सेम सीट है उसके लास्ट वाले सीट पे आप एक ऐड कर लो, लास्ट में रखिएगा। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे आते हैं, बुक फाइल, इसमें एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट, कॉपी, कुछ भी लिख दीजिए कॉपी डी के जगह पे। अब यहाँ पे देंगे हम 4i=1 to sheets.count-1। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला शीट तो पेस्ट होना है, तो जितना शीट है, शीट काउंट मतलब कि ये आपको 7-6 दिखाएगा, तो इससे एक कम चाहिए, 5 तक ही चलेगा। तो 5 बार मुझे कॉपी पेस्ट करना है। और फिर यहाँ पे हम देंगे शीट्स आई डॉट सेलेक्ट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, मतलब कि कंट्रोल ए हमने करके उसको कॉपी कर लिया। उसके बाद वापस शीट्स डेटा पे आएंगे, उसके बाद रेंज A 65,000 से सबसे लास्ट में जाना है ना, एंड नीचे से ऊपर की तरफ सबसे लास्ट में जाएंगे, डाउन नहीं अप होगा, डॉट अप से एक नेक्स्ट ब्लैंक रो में के लिए 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल कर देंगे आप। उसके बाद हेडिंग भी कॉपी होके आ रहा है, इसलिए मैं एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो को डिलीट कर रहा हूं। ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं इसको जस्ट माइक्रो पे जाना है और इस कॉपी डी को रन कर देना है। 2-3 सेकेंड में देखिए सारा आपका माइक्रो कॉपी हो गया। तो अब आपके ऊपर है कि आप जो है, आपकी चॉइस है
कि आप क्लिपबोर्ड वाली सेमी ऑटोमेटेड या 50% ऑटोमेटेड वाले मेथड को अपनाएं या फिर वीवी प्रोग्रामिंग की कोड लिख के आप उसको कंप्लीट ऑटोमेशन दें। तो मुझे आशा है कि आपका प्रशांत पवार जी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, मैं कमेंट एक्सपेक्ट भी करता हूं, बट कमेंट पे थोड़ा सा रेट रिप्लाई दे पाता हूं। आपको अगर तुरंत ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। आप हमारे साथ अगर लर्न करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो मैं जस्ट प्रमोशनल वीडियो डालता हूं, आप कंप्लीट वीडियो चाहिए आपको तो हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। कहां से? तो ipt.india.com से, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जूम ऐप के थ्रू मेरे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। जी हाँ, जूम ऐप के थ्रू आप मेरे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। तो फटाफट अपने मोबाइल फोन में मेरा नंबर स्टोर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे अपने चैनल पे करीब 3500 वीडियोज अपलोड कर रखा हूँ और भी वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं हो लेकिन इन फ्यूचर में मेरी वीडियोस ढूंढना हो तो जस्ट आप आईपीटी इंडिया को सर्च कीजिएगा, आपको मेरी सारे वीडियोस आ जाएंगे। थैंक यू सर।